हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली गलहोटिया यूनिवर्सिटी से मेरा वेलकम लेटर आ गया है। आई होप आप सभी का भी आ गया होगा। नहीं आया है तो 5 से 7 दिन में आ जाएगा, नहीं तो आप गलहोटिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको अपना वेलकम लेटर कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैंने ये साइड में जो है वेलकम लेटर की स्क्रीन लगा दी है। तो देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है और अभी मैं खोलता हूँ PDF। तो अभी PDF खोल रहा हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, जो PDF खुल चुकी है इसमें लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट ग्रीटिंग फ्रॉम गलहोटिया यूनिवर्सिटी। इसमें बाकी सब चीज़ें दी हुई हैं, जो मेन चीज़ें दी हुई हैं वो लिस्ट ऑफ एनेक्सर, ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एनेक्सर। तो इसी में जो 5 एनेक्सर दिए हुए हैं, पहले एनेक्सर में शेड्यूल ऑफ हॉस्टल रिपोर्टिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन और ओरिएंटेशन और रिपोर्टिंग की, जो हॉस्टल में रिपोर्टिंग की जो डेट वेट है उसमें दी हुई है पहले एनेक्सर में। दूसरे एनेक्सर में दिया हुआ है रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन एट द हॉस्टल, मतलब जिन्होंने हॉस्टल लिया हुआ है उनको रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है एनेक्सर 2 में। और एनेक्सर 3 में ऑन कैंपस रजिस्ट्रेशन, जो कैंपस वैम्पस का रजिस्ट्रेशन होगा उसकी डिटेल दी हुई होगी। तो अभी हम देखेंगे सारी डिटेल्स। तो 4th एनेस्टर में दिया हुआ है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, जो डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे आपने वो वेरीफाई होंगे। और 5th नंबर में जो दिया हुआ है लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन, जो लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो दी हुई है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों पहले एनेक्सर नंबर 1 में। तो एनेक्सर नंबर 1 में दिया हुआ है कि आपको कौन सी डेट में हॉस्टल रिपोर्टिंग करनी है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। ये रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपका होगा, मतलब 1st सेमेस्टर का होगा। हो सकता है इसमें आपसे पैसे लिए जाएं और हो सकता है नहीं भी लिए जाएं, क्योंकि ऐसा है कि हम सभी पहले ही जो अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस है वो दे चुके हैं। और 3rd नंबर में दोस्तों देख सकते हैं आप, डेट ऑफ ओरिएंटेशन दिया हुआ है, मतलब ओरिएंटेशन कब से कब तक चलेगी। तो इसमें सभी की दी हुई है कि नर्सिंग की, मतलब सभी कोर्स की दी हुई है, नर्सिंग एग्रीकल्चर बाकी। तो अभी हम बात करेंगे BTech वालों की। तो 5th नंबर में दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें हॉस्टल रिपोर्टिंग की डेट है दोस्तों 18th ऑफ सितंबर 2023, डे मंडे। और जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 1st सेमेस्टर की वो 18th ऑफ सितंबर 2023। जो डेट है दोनों सेम डेट है दोस्तों, हॉस्टल रिपोर्टिंग की और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। जो ओरिएंटेशन रहेगा वो आपका 19th ऑफ सितंबर से 21 सितंबर तक चलेगा। तो अभी हम बढ़ते हैं एनेक्सर नंबर 2 की ओर, जिसमें लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टू द हॉस्टल। तो इसमें आपको जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल जिन गर्ल्स को हॉस्टल अलॉट हुआ है वो रिपोर्ट करेंगे जाके गलहोटिया कॉलेज, जो कि नॉलेज पार्क 2 में है। और जो बॉयज़ का हॉस्टल है वो रिपोर्ट करेंगे गलहोटिया यूनिवर्सिटी में, जो कि यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा गौतम बुद्ध नगर के साइड है। तो दोस्तों ये आपको दिए हुए हैं कॉन्टैक्ट नंबर, जो वार्डन रहते हैं वहाँ के, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो मेन इम्पॉर्टेंट एनेक्सर है वो एनेक्सर नंबर 3 है, उसे हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स में दी हुई है। तो इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है ऑन कैंपस रजिस्ट्रेशन। तो नंबर ए में लिखा हुआ है, ऑन अराइवल एट द कैंपस प्रोसीड टू द रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑफ योर डिपार्टमेंट स्कूल वेयर ए टीम ऑफ फैकल्टी मेम्बर विल गाइड यू थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जो आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, या फिर को हो सकता है ये दूसरा रजिस्ट्रेशन हो, तो आपको फैकल्टी द्वारा बता दिया जाएगा कि मतलब क्या क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और कैसे कैसे करना है। बी नंबर में लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी सेंड टू यू ऑनलाइन, यू शुड ब्रिंग द फिल फॉर्म अलॉन्ग विद यू टू कम्प्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपको ऑनलाइन ही एक फॉर्म भेज दिया जाएगा, उसे फिल करके आप प्रिंट निकला लें और वो लेके जाएं, तो जो आपका प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन वो जल्दी हो जाएगा। दूसरे नंबर में लिखा हुआ, तीसरे नंबर पर पहुँचते हैं, तो एक कॉपी ऑफ द फीस रिसिप्ट शुड बी अटैच विद द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो दोस्तों ये जो फीस की रसीद है, ये आपको 25,000 वाली रसीद लेके जानी है, जो आपने जो टोकन मनी जमा किया था या सीट बुक करने के लिए आपने जो 25,000 जमा किए थे वो रसीद लेके जानी है। और जब आप पढ़ते हैं 4th नंबर की ओर, डी नंबर की ओर, दी बैलेंस फीस इफ़ एनी कैन बी पेड एट द काउंटर
एट द यूनिवर्सिटी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड ए कॉपी ऑफ द सेम शुड बी कैरीड फॉर वेरीफिकेशन। तो दोस्तों जो आपके 25,000 के अलावा है वो फीस आपको जमा करने के लिए इसमें लिखा हुआ है, और जब आप वो फीस जमा करेंगे तो उसके साथ आप अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन नहीं हुआ है पहले 25,000 जमा करने के वक्त, तो आप डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराएंगे फुल फीस पेमेंट करने के बाद, या उसी के साथ भी करा सकते हैं। तो आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं जो इसमें लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डिटेल इज़ गिवन इन द एनेक्सर नंबर 3। तो जो नीचे जो डिटेल्स है वो लिखी हुई है सर्टिफिकेट्स वेरीफिकेशन टाइम के क्या ले जाने हैं, इसमें तो एनेक्सर नंबर 3 लिखा हुआ है लेकिन जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आपके एनेक्सर नंबर 4 में दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं एनेक्सर नंबर 4। ओके दोस्तों, आईडी कार्ड के साथ ही आपको जो आई क्लाउड का लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपके कॉलेज के रिलेटेड सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, मतलब आई क्लाउड पर सारी चीज़ें आपकी दिखाई मतलब दिखेंगी। तो यही सब लिखा हुआ है दोस्तों। और जो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, एफ़ नंबर की ओर, तो एफ नंबर में लिखा हुआ है यू विल बी एडेड टू द स्कूल डिपार्टमेंट व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर द ड्यू कम्प्लीटेशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। इसमें लिखा हुआ है कि मतलब आपकी जो फीस पेमेंट है और जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी के या आपके ग्रुप, आपका जो कोर्स है उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही 5-6 पॉइंट लिखे हुए थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हैं, ये एनेक्सर नंबर 5 में दी हुई है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। और एक बात दोस्तों और, कि आप जब फीस पेमेंट करेंगे जो रिमेनिंग फीस है 25,000 के अलावा, वो आप कैश लेके जाएं, क्योंकि जो ऑनलाइन जो अगर ऑनलाइन आप करेंगे तो रिफ्लेक्ट होती है 2 से 3 दिन या 5 से 7 दिन लग जाते हैं तो रिफ्लेक्ट होती है इनके पोर्टल पर, इनके पास पहुँचती है, तो आपको 5 से 7 दिन बाद रसीद मिलेगी जो आप 25,000 के अलावा अमाउंट जमा करेंगे। इससे अच्छा यही है कि आप कैश लेके जाएं, तो आप कैश लेके जब जाएंगे तो आपको हाथों हाथ रसीद मिल जाएगी। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और टिल देन दोस्तों, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। तो थैंक यू दोस्तों।